फिरोजाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कृषक इंटर कॉलेज के बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों ने गांव के लोगों को पानी की समस्या, सफाई की उचित व्यवस्था के बारे में समझाया। बच्चों ने ग्रामीणों को बताया कि किस प्रकार हम अपने आसपास सफाई रखकर बीमारियों से बच सकते हैं, पानी एक एक बूंद बचाकर भविष्य में पानी को लेकर आने वाली समस्या से हम बच सकते हैं। यह शिविर 18 दिसंबर तक पंचोखेरा के गांव नगला गंगाराम में चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को जागरूक करना है। सेवा योजना का ये कार्यक्रम आज 12 तारीख से शुरू होकर 18 तारीख को समापन होगा। इसके बीच बीच में तमाम अधिकारी भी शिक्षा विभाग के आएंगे। इसका प्रयोजन गांव की जनता को जागरूक करना है। सबसे पहले तो पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, उस पानी की समस्या के लिए बच्चे बताएंगे। दूसरे एक समस्या है सफाई की। आजकल सफाई गाँव में लोग अपने आप नहीं करते, महिलाएँ अपने आप नहीं करती, तो ये बच्चे ये बताना चाहेंगे कि स्वयं सफाई करनी चाहिए। तीसरी एक बहुत बड़ी समस्या पहले से ही चली आ रही है, साक्षरता मिशन जो चल रहा है, साक्षर बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे। जो महिलाएं साक्षर हैं, जो पुरुष साक्षर हैं, वो कम से कम अपने हस्ताक्षर करना सीखें। ये काम 7 दिन लगातार चलता रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण पर भी बात करेंगे बच्चे, बिजली पर भी बात करेंगे। राष्ट्रीय जितने भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को चलाने के लिए ये बच्चे तत्पर हैं, और आप लोग इनका गांव के लोग सहयोग करें, मेरी यही कामना है। खुल गया। आपके शहर फिरोजाबाद में पहली बार वैष्णवी हेल्थ क्लिनिक। यहां पर डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, खास खुजली, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, सीने में दर्द, COPD, पेट की बीमारी आदि का इलाज किया जाता है। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।